प्यारे बच्चों, आपके खास फरमाइश फरमाए यह टॉपिक लेके आ रहा हूँ। आज का टॉपिक है अमीबा। यह एक कोशी जीव होता है, इसके बारे में आप लोग को अब आज बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। प्रायः देखा गया है कि अमीबा के द्वारा पेचिश होता है। यह प्रस्तावना देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटिस होता है। हर एक जैसे जीव जंतु का एक वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक उसी तरह से अमीबा का नाम भी वैज्ञानिक नाम होता है। अमीबा एक कोशी जीव होता है, यूकेरेटिक अर्थात सुविकसित। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एक कोशी जीव उस जीव को कहते हैं जिसमें एक ही कोशिका के बने होते हैं। इसी तरह से बहुकोशी जीव ये होते हैं जो जिसमें कोशिका के द्वारा उस जीव का निर्माण हुआ रहता है। तो इस तरह से अमीबा एक कोशी जीव है और यूकेरेटिक होता है अर्थात उसमें सुविकसित न्यूक्लियस पाया जाता है। अमीबा को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अमीबा एक कोशीय मृदुजली तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है जिसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण परिवर्तित होता है। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण शरीर की सतह के किसी भी स्रोत से हो सकता है। अमीबा का मुख्य स्रोत शैवाल, छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे कोशी जीव को यह अपना भोजन बनाता है। इसी तरह से कार्बनिक पदार्थों का भी यह भोजन करता है। इसी तरह से अमीबा का मुख्य लक्षण देखते हैं। जैसे कि जानते हैं आप, एक कोशी जीव होता है, इसमें चालन सुडोपोडिया द्वारा होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है, इसमें अंतः कोशिका के द्वारा पाचन होता है, इसमें पोषण जो होता है प्राणी सम प्रकार का होता है, जैसे मनुष्य लोग करते हैं उसी प्रकार से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको बताना जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसका देख लेते हैं वर्गीकरण क्या होता है। तो जगत इसका प्रोस्टिटा होता है, संघ प्रोटोजोआ होता है, वर्ग राइजोपोडा होता है, वंश अमीबा और जाति प्रोस्टिटा होता है। तो इस तरह से अमीबा का वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने इस तरह से किया गया है। यह जगत प्रोस्टिटा का अर्थात यूकेरियोटिक कोशिकाओं का यह एक जगत होता है। चलिए अब वर्गीकरण के बाद बारे में या बाद में इसके बारे में और कुछ आगे बताते हैं। जैसे इसकी संरचना होती है, जो प्रत्येक जीव एक साइटोप्लाज्मा या के द्वारा बना होता है। इसमें एंडोप्लाज्म कोशिका झिल्ली के तुरंत बाद होता है, जो स्वच्छ पारदर्शी एवं चमकीला पदार्थ होता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मा महत्वपूर्ण भीतरी कोशिका द्रव होता है जो कण के द्वारा छोटे छोटे विकसित होते हैं। इसी तरह से इसका संरचना को देखते हैं तो इसमें फूड वैक्यूल पाया जाता है। फूड वैक्यूल रसधानी जिसको बोलते हैं, जो भोजन का डाइजेस्ट करता है। कोशिका द्रव्य में या फूड वैक्यूल पाया जाता है। इसके संरचना में यह एक महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से इसकी संरचना में और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखने को मिल रहा है। इसमें संकुचनशील रसधानी होता है जो पराशरण नियंत्रण द्वारा उत्सर्जित पदार्थ का निष्कर्षण करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को जिस तरह से हम पेशाब करके बाहर करते हैं, ठीक उसी तरह से ऐसा संकुचनशील धनी के द्वारा होता है। इसी तरह से इसमें इसकी जो संरचना है, इसमें मुख्य रूप से न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको हम केंद्रक भी बोलते हैं। केंद्रक के द्वारा अमीबा अपना जनन या प्रजनन का काम करता है अर्थात अपना संतान उत्पन्न करते हैं, अर्थात यह उसके द्वारा पनपता है। आइए और कुछ बातें देखते हैं। अमीबा में होमोजाइक टाइप के प्राणी संभोजन प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो आइए बताते हैं प्राणी संभोजन होता क्या है। जिस तरह से मनुष्य अपना भोजन को, जैसे होलोजोइक पोषण, इसमें मतलब परपोषी पोषण का एक प्रकार है जिसमें पांच प्रकार के प्रक्रिया, जैसे इनेशन है, डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, एलिमिनेशन है, एक्सक्रीजन है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर इत्यादि लोग अपना भोजन करते हैं, ठीक उसी तरह से यह भी एक होलोजाइक प्रकार का मतलब इसमें पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं एक फूड है, तो अमीबा का जो शरीर है यह उसको फूड को, उस भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद उसको अपने शरीर के अंदर में ले लेता है, जैसे इस चित्र में आपको बताया गया है। ठीक उसी तरह से इसमें लैंगिक जनन जो होता है, इसमें जो प्रजनन होता है, देखिए आप अमीबा है, अमीबा अपने शरीर को दो टुकड़ों में बांट देता है और प्रत्येक टुकड़ा एक डाटर अमीबा बनाता है अर्थात
संतति अमीबा बना लेता है, अर्थात अपना पुत्र बना लेता है। कहने का मतलब यह है कि अमीबा अपने शरीर को अब दो भाग में बांट देता है, न्यूक्लियस को दो भाग में बांट देता है, और प्रत्येक भाग से एक डाटर अमीबा बनता है, पुत्र बनता है। ठीक उसी तरह से इसमें एक और अलैंगिक जनन होता है, अर्थात इसके जो प्रत्येक भाग, देखो आप यहाँ पर न्यूक्लियस देख रहे हैं, यहाँ पर पांच प्रकार एक न्यूक्लियस है, तो प्रत्येक न्यूक्लियस अपने शरीर को प्रत्येक न्यूक्लियस अपने आप को अलग अलग भाग में मतलब ये कर देता है, एक शरीर बना लेता है, एक संतति कोशिका बना लेता है। इसी तरह से अमीबा में जो चलने का जो क्रिया है, आपको पूछा जाएगा कि अमीबा में किस प्रकार का गमन पाया जाता है, तो किसके द्वारा मतलब गमन करता है, तो इसका सही उत्तर है सुडोपोडिया, उत्तर 3। ठीक है, इस तरह से हम पाते हैं कि अमीबा एक कोशी जीव होता है, इसका आकार अनियमित होता है, यह लैंगिक जनन द्वारा पनपता है। यह है अमीबा का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से, या मतलब उसका लक्षण है। इसमें समपोषण विधि द्वारा अमीबा पोषण करता है, मनुष्य जिस तरह से अपने भोजन करता है ठीक उसी तरह से यह एक पारा परजीवी पोषण मतलब करता है, अर्थात उसको अपने शरीर के चारों ओर से उसको क्या कर लेता है, घेर लेता है। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो मेरा चैनल भारद्वाज लेक्चर्स है, उसको आप लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलेंगे। आप इस वीडियो को देखो, इसके लिए बहुत